हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूँ जीश कॉर्पोरेट इंजीनियर्स, एक बार फिर से लाइव हूँ मैं आप सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में, फिर से फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाए मेरे साथ ताकि मैं फटाफट आपको सारी वैकेंसीज के बारे में बताऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताना चाहूँगा। सिविल गुरुजी की न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी 2023 से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि की स्किल्स जो एक सिविल इंजीनियर को रिक्वायर्ड होती है किसी भी जॉब के लिए, अगर आप ये सारी चीज सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सिविल गुरुजी। आप कॉल कर सकते हैं मुझे 9522181234 पे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जॉब पोस्ट के बारे में बात करेंगे। साइट इंजीनियर की पोजिशन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनको रिक्वायर्ड है गुड कम्युनिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए अच्छे से और हिंदी भी लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिकली इनको रियल एस्टेट कंपनी है, दुर्ग की कंपनी है रियल एस्टेट, उनके लिए इनको रिक्वायरमेंट है और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीई। ईमेल कर सकते हैं आप अपना रिज्यूम 9 एलिमेंट्स ELEMENTS एलिमेंट्स ऑफिस OFFICE ऑफिस @gmail.com इस ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन है 9399735991। इस नंबर पे भी आप चाहे तो अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली जॉब वैकेंसी होगी जो कि दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पे यहाँ पे इस पोजीशन आपको मिलेगी साइट इंजीनियर की। ओके, नेक्स्ट है बात करेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। ये जो है बेसिकली ये जो कंपनी है वो इमर्शन कंपनी की स्पेलिंग है EMERSON इमर्शन। इसको आप कंपनी ये सर्च भी कर लीजिए गूगल में कि कंपनी कितने सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, क्या करेंट प्रोजेक्ट है। और इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको इमर्शन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। आप टाइप कर लीजिए गूगल में इमर्शन और उसमें करियर ऑप्शन में वहां पे सर्च होगा, तो सर्च में आपको है ना सिविल इंजीनियर टाइप करना है। जो लेटेस्ट यहाँ पे वैकेंसी आई है वो आपको दिख जाएगी, फिर वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब की जो पोजीशन है जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट इंजीनियर की, जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा है कि सिविल इंजीनियर होना चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए सिविल से रिलेटेड काम और उसी के साथ इंटीरियर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में और सिविल से रिलेटेड पूरे बिल्डिंग के वर्क में। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोफिशिएंट जरूर हो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्वसनीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर के द्वारा आई हुई है वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज है। ये ड्राफ्ट्समैन के लिए भी है, सिविल ड्राफ्ट्समैन के लिए भी है। यहाँ पे जो पोजीशन है सिविल ड्राफ्ट्समैन, इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या तो ITI सिविल से या फिर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट फॉर्म में आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आप में होना चाहिए। इतना अगर आप में एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन सिविल भी अगर होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बेसिकली जो रोल्स है वो क्या होंगे, सिंपल कि आपको ड्राइंग डिजाइन से डील करना है। यहाँ पे जो भी ऑटोकैड में आपको सारी ड्राइंग्स और डिजाइन बनाने आना चाहिए अच्छे से, उसी के साथ कहीं ना कहीं ड्राइंग की पूरी प्रिपरेशन, पूरा मॉडिफिकेशन, क्वांटिटी सर्वे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटिटी कैलकुलेशन, तो सारा ड्राइंग से रिलेटेड आपको कैलकुलेशन का पार्ट भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सैलरी है ना वो सैलरी कैसे है, यहाँ पे डे वाइज सैलरी है, मतलब इनका मेंशन किया गया है ₹1500 पर डे के हिसाब से यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चार्ज आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में ही QA QC इंजीनियर के लिए, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BTech होना चाहिए सिविल में। उसी के साथ यहाँ पे जो सैलरी का जो यहाँ पे डिविजन है वो इस कदर है कि एक्सपीरियंस वाइज 20+ अगर एक्सपीरियंस है वो सीनियर टू जूनियर लेवल में अलग अलग, तो ₹4500 पर डे के हिसाब से आपको पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है। उसी के साथ 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस है तो ₹3000 पर डे, उसी के साथ 1+ ईयर्स एक्सपीरियंस है तो ₹2500 पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो QA QC इंजीनियर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है।
आप बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आपको विजिट करना होगा vnit.ac.in पे। ये वेबसाइट पे आप विजिट करें, vnit.ac.in पे यहाँ पे विजिट करें, और वहां पे एप्लीकेशन के पूरे डिस्क्रिप्शंस है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो सारा चीज पढ़ने के बाद आप वहां पे अप्लाई भी कर सकते हैं। वहां एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। इसी के अलावा बहुत सारी पोस्ट और हैं यहाँ पे। बिलिंग इंजीनियर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। बिलिंग इंजीनियर बेसिकली पूरे यहाँ पे बिल, हर टाइप के बिल्स उसको आने चाहिए यहाँ पे, चेक वो कॉन्ट्रैक्टर बिल चेक कर पाए, उसी के साथ पूरा मेजरमेंट अच्छे से कर पाए, मेजरमेंट प्रूफ चेक्स वो सारा अच्छे से कर पाए, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर पाए। उसी के साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि उसको एमएस एक्सेल प्रोफिशिएंट, मस्ट हैव एक्सेलेंट कमांड ऑन MS Excel एंड AutoCAD। यहाँ पे ध्यान देखिए, जो बिलिंग इंजीनियर है ना उसको सारी चीज तो आनी चाहिए बिलिंग से रिलेटेड, उसके साथ साथ AutoCAD और उसके साथ साथ यहाँ पे MS Excel की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ड्रॉइंग से एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है आपको, MS Excel में सारी बिलिंग करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, इसलिए यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आपको मांगा गया, ठीक है। यहाँ पे भी जो सैलरी का है वो डिविजन कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको 1+ years एक्सपीरियंस है तो 2000 rupees पर डे, उसी के साथ 5+ years एक्सपीरियंस है तो 2300 rupees पर डे, उसी के साथ 10+ years एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 3500 rupees पर डे के हिसाब से यहाँ पे सैलरी पे किया जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही है सिविल इंजीनियर के लिए, NDT इंजीनियरिंग इंजीनियर। NDT मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इंजीनियर। बेसिकली ये सिविल वर्क से रिलेटेड है एक्चुअली। यहाँ पे जो जॉब जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, मिनिमम कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए यहाँ पे टेस्टिंग से रिलेटेड, NDT टेस्टिंग से रिलेटेड। सेम अप्लाई करने के लिए एक ही वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, vnit.ac.in पे। तो ध्यान रहे इंजीनियर्स, ये जो वैकेंसीज मैंने आज आप लोगों को बताई है इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। साइट इंजीनियर के पोस्ट के लिए है, उसी के साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर और जितना मैंने बताया है ड्राफ्टमैन, QA/QC इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, सारे पोस्ट के लिए आप जरूर जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इंजीनियर्स अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी लाइफ में बदलाव करना, तो आपको ना सीखना होगा, क्योंकि हर कदम आपको सीखना ही है, हर एक स्टेज में हर एक दिन आपको सीखना जरूरी होता है। कहीं से भी सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप सहारा ले सकते हैं बहुत अच्छी बुक्स का। बुक्स किसी ने खूब कहा है कि बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि बुक्स में क्या होता है ना कि जिस पर्सन ने जिस ऑथर ने अपना लिखा हुआ है पूरा, वो पूरा एक्सपीरियंस वहां पे मेंशन कर दिया गया है कि जितना साल उसने काम किया है उसका पूरा एक्सपीरियंस उसने मेंशन किया। तो इंजीनियर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सीखना जरूरी है। तो सीखना है हमको, जो हमारा टेक्निकल स्किल्स है उसको तो सीखना ही है, उसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें भी सीखनी जरूरी है। तो आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं। उसी जोश और जुनून के साथ आपको मिलता हूं मैं कल, फिर से मिलेंगे हम। सी यू, थैंक यू सो मच इंजीनियर्स।